अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का लेक्चर नंबर है हमारे पास 38 एंड टॉपिक इज एसिंक्रोनस, या जिसे हम रिपल काउंटर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसकी लैब ऑलरेडी लास्ट वीक हमने इस टॉपिक की पार्शियली कर ली है, और थ्योरी में आज इस टॉपिक को हम डिटेल से देखेंगे कि एसिंक्रोनस रिपल काउंटर होता क्या है। ठीक है, मैं एंड में सीईपी का थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, रिमाइंड मी इन द एंड। अच्छा जी, सबसे पहले अगर बात की जाए सिर्फ काउंटर की, ठीक है, तो काउंटर होता क्या है कि एक ऐसा सर्किट है जो कि कह रहे हैं कि साइकल्स थ्रू स्पेसिफिक नंबर स्टेट। सबसे जरूरी बात क्या है कि साइकल्स थ्रू का मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस है या सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो वो रिपीटेडली फॉलो करेगा। वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, रिपीटेडली फॉलो करेगा, क्योंकि साइकिल का मतलब ही क्या होता है, पूरा चक्कर लगाया आपने, आप फिर वापस इनिशियल स्टेट पे आ गए, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, फिर पूरी स्टेट से गुजर के फिर दोबारा वापस इनिशियल स्टेट पर आ गए। तो काउंटर को अगर आप क्लोजली रिलेट करें किसी कंस्ट्रक्ट से जो आपने पढ़ा हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, तो बताएं क्या हो सकता है वो, कि मैं काउंटर से क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इन प्रोग्रामिंग अगर बात करें। और मैं प्रोग्रामिंग इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की चीज़ आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो काउंटर बिल्कुल ठीक जवाब है हमजा का कि हम लूप से को रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हार्डवेयर में कोई ये इस तरह की चीज़ ना हो जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट कर रही हो, आगे बढ़ रही हो, और इवेंचुअली जाके उसकी कोई एंड स्टेट आ जाए। अब वो एंड पे बात ये है, लूप नॉर्मली हमारे एंड पे टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ इनफाइनाइट लूप है क्योंकि हार्डवेयर है, और हार्डवेयर में जब तक आप उसे क्लियरली सिग्नल नहीं देंगे स्टॉप का, तो इसका मतलब यह है कि वो काउंटिंग करता जाएगा और आखिरी स्टेट पे पहुंचेगा, देन स्टार्ट होकर दोबारा से फर्स्ट स्टेट पे लूप करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो काउंटर एक ऐसा सर्किट है डिजिटल सर्किट ही जो साइकिल थ्रू करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं इसमें। नंबर ऑफ स्टेट से क्या मुराद है, नंबर ऑफ स्टेट से मुराद ये है कि हो सकता है काउंटर आपका एक बाइनरी काउंटर हो। ठीक है, तो अगर बाइनरी काउंटर कह रहा हूँ तो, और बाइनरी काउंटर कहाँ से काउंटिंग करता है, से वन से जीरो से लेकर काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है, और अगर वो बीसीडी काउंटर है तो काउंटिंग होनी चाहिए उसमें जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड देन नाइन, और बीसीडी में क्या होता है, नाइन के बाद दोबारा से जीरो आ जाता है। तो साइकिल्स थ्रू जिन नंबर को साइकिल करेगा वो ये है, और ये जो ईच नंबर मैंने आपको बताया है यानी जीरो वन टू थ्री, ये कहलाते हैं स्टेट्स। तो बी सी डी काउंटर में जीरो से लेकर नाइन टोटल टेन स्टेट्स होती हैं। ठीक है यासिर, आप अपने आईडी और रोल नंबर वैसे टेक्स्ट कर दें मुझे, लेकिन मैं नोट डाउन कर लूंगा इन केस। अच्छा, तो बात मैं कर रहा था कि स्टेट्स कहते हैं कि जो आपके फ्लिप फ्लॉप के बेसिकली आउटपुट आएंगे, काउंटर मैं बनाता फ्लिप फ्लॉप्स हूँ और जो आउटपुट मेरे पास आएंगे, तो हर आउटपुट जो है मेरी एक कंबाइंड स्टेट बनता है। ठीक है, अब मैं इसमें सिंगल फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट की बात नहीं करूंगा, यानी एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अलग एक दो, मैं कंबाइंड बात करूंगा, यानी सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ रीड करूँ, सब पे जीरो 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 का कोड आ रहा है तो मैं उसे कहूँगा स्टेट जीरो है, फिर कंबाइन सबको रीड करूंगा जीरो 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 वन, फिर कंबाइनली रीड करने सब पे जो एक स्टेट आ रही है वो है स्टेट वन, फिर दोबारा रीड करूंगा तो टू का कोड आ रहा होगा, दोबारा रीड करूंगा थ्री का, तो अब मैं कलेक्टिवली सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ रीड करूंगा और उसको कह रहा हूँ वर्ड स्टेट। ठीक है, क्योंकि स्टेट एक भी बिट चेंज होगी तो मेरी स्टेट चेंज हो जाएगी, और एक भी बिट चेंज होने की वजह से मेरा नंबर चेंज हो जाएगा। अगर वो नॉर्मली इंक्रीमेंटल काउंटर है तो वो इंक्रीमेंट हो रही होगी, यानी काउंटिंग टू थी तो अब थ्री हो जाएगा, थ्री थी तो फोर हो जाएगा। तो बाइनरी काउंटर में आपको पता है चांसेस हैं कि एक से ज्यादा बिट भी एक साथ चेंज हो सकती है, बाइनरी कोड में बिट एक से ज्यादा चेंज हो सकती है, कम से कम भी एक बिट चेंज होगी तो मेरी स्टेट चेंज कहलाएगी। ठीक है, ये तो हो गया काउंटर। अब काउंटर की टाइप्स की बात कर ले तो हमारे पास जो है दो तरह के काउंटर्स होते हैं, एक तो होते हैं सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है, और एक टाइप होती है एसिंक्रोनस काउंटर। और फर्दर इनके अल्टरनेट या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एसिंक्रोनस को रिपल काउंटर्स भी कहा जाता है और सिंक्रोनस को पैरेलल काउंटर भी कहा जाता है। अच्छा,
पैरेलल और रिपल पे तो हम बाद में बात करेंगे, रिपल तो इस लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, क्यों कह रहे हैं पैरेलल जब हम सिंक्रोनस पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का वर्ड क्या है, ये हमारे पास काफी दिन से आ रहा है और इसमें हमने बात ज्यादा नहीं की, तो ज्यादा बात मैंने इसलिए नहीं करी, मैं वेट कर रहा था इसी मौके का कि हम इसे काउंटर्स में जब ये दोनों वर्ड एक साथ कॉन्ट्रडिक्टरी सामने रखे होंगे ना तब बात करेंगे, और ये क्लियर भी हो जाएंगे जब आप ये दोनों काउंटर्स पढ़ लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में फर्क है। लेकिन इन जनरल हमने ये एसिंक्रोनस का वर्ड वहां पे पढ़ा जब हम फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहे थे, तो दो इनपुट हमारे ऐसे थे सर्किट में जिसे मैं कह रहा था वो एसिंक्रोनस इनपुट है, ठीक है, एसिंक्रोनस इनपुट है, और दो बाकी सारे जो इनपुट थे वो मेरे क्या थे, सिंक्रोनस थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एसिंक्रोनस से मुराद ये थी, हमने देखा था कि वो ऐसे इनपुट सिग्नल थे जो कि क्लॉक पे रिलाय नहीं कर रहे थे, ठीक है, और वो कभी भी क्लॉक एज हो ना हो, क्लॉक के किसी भी स्टेट में हो, क्लॉक इनपुट्स मेरे किसी भी स्टेट में हो, फ्लिप फ्लॉप मेरी किसी भी स्टेट में हो, अगर मैं उनको अप्लाई कर देता हूँ तो मेरी फ्लिप फ्लॉप का रिस्पॉन्स उनके तहत चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, डजंट मैटर क्लॉक आई हुई है नहीं आई हुई है, और रीसेट कर दूंगा तो सेट कर दूंगा तो सेट हो जाएगा, डजंट मैटर मेरी क्लॉक आई हुई नहीं। इसके बरक्स जी और के फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें तो जी और के जो मेरे इनपुट थे वो मैं चेंज कर दूं क्लॉक आने से पहले तो वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट नहीं होते, जी और के जो के मेरे इनपुट थे उनको मैं चेंज कर दूं और क्लॉक का एज ना आए तो वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो वो इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो क्लॉक पे डिपेंड कर रहे हैं, तो जैसे ही क्लॉक का एज आता है तो वो जो चेंजेस आपने की होती हैं इनपुट में वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दो तरह के इनपुट है, वो जो क्लॉक पे रिलाय कर रहे हैं क्लॉक आएगी तो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होंगे, और वो इनपुट जो क्लॉक पे बिल्कुल रिलाय नहीं कर रहे, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है कि क्लॉक आए ना आए वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो वो, तो ये दो टाइप के इनपुट्स मौजूद थे हमारे फ्लिप फ्लॉप में। तो जो इनपुट हमारे क्लॉक पे रिलाय कर रहे थे वो हम कह रहे थे सिंक्रोनस हैं, यानी अदर वर्ड सिंक्रोनाइज्ड हैं विद आवर क्लॉक सिग्नल, यानी क्लॉक सिग्नल पे जब गो का सिग्नल आता है या एक्टिव एज आता है, एक्टिव में वही बात है नेगेटिव एज भी हो सकता है पॉजिटिव भी, डिपेंड करता है मेरी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव लो टाइप है या एक्टिव हाई टाइप है, तो जब एज आता है एक्टिव तभी आउटपुट पे जाते हैं, तो ऐसे सिग्नल्स या इस चीज को कहा जाता है सिंक्रोनाइजेशन क्योंकि वो सिंक है विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक, और एसिंक्रोनस उसे कहा जाता है जो जाहिर सी बात है किसी चीज से सिंक नहीं है, वो कभी भी एक्टिव हो जाएंगे इनेबल हो जाएंगे तो वो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होंगे, तो ऐसे सिग्नल को हमने कहा है एसिंक्रोनस, और एसिंक्रोनस एक जेनरिक वर्ड है कि कोई चीज सिंक ना हो, कभी भी कोई भी इवेंट ट्रिगर हो सकता है, ठीक है, और ये वाले इनपुट थे हमारे क्लियर एंड रीसेंट। तो ये दोनों काउंटर्स में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस लगे होने की वजह भी यही है कि एक ऐसे काउंटर होंगे जो क्लॉक पे रिलाय कर रहे होंगे और एक ऐसा काउंटर होगा जो डायरेक्टली क्लॉक पे रिलाय नहीं कर रहा होगा, नाम से ही पता लग गया होगा एसिंक्रोनस ऐसे काउंटर है जिसमें वो क्लॉक से सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, यानी सारी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक कॉमन नहीं होगी, यही बात नीचे बताई हुई कि रिपल काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर अलाउ सम फ्लिप फ्लॉप आउटपुट टू बी यूज एज ए सोर्स ऑफ क्लॉक फॉर अदर फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कुछ फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट को एज ए क्लॉक सोर्स यूज करता है, यानी सब फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक सेम नहीं होती, तो इस वजह से हो सकता है इसमें ये सिंक्रोनस बिहेवियर आ जाए क्योंकि क्लॉक तो सबकी सेम नहीं है, जबकि सिंक्रोनस काउंटर्स कह रहे हैं अप्लाई सेम क्लॉक टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप, अगर सारी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक सेम है तो इसका मतलब है सबके ट्रिगरिंग इवेंट सिंक्रोनाइज होंगे उस क्लॉक सिग्नल के लिहाज से, ठीक है। तो बुनियादी डिफरेंस क्या हो गया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का, कि सिंक्रोनस में क्लॉक का एलिमेंट आ जाता है और सारी फ्लिप फ्लॉप या जितनी भी इसमें डिवाइस एलिमेंट हैं उसमें क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड होंगे, सबकी क्लॉक सेम होगी इन सिंपल वर्ड, और एसिंक्रोनस में ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है जी क्लास, सो फार सो गुड, कोई क्यूरी है, ठीक है, तो कोई क्यूरी नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं इसे। अच्छा, आप लोगों में से कोई आपस में बातें कर रहा है,
कुछ ऐसा इशू है कि मेरे पास एक नीचे विंडो आ रही है जो आनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ने तो इसमें मज़ीद बात कर लेते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है कि ऑल फ्लिप फ्लॉप डू नॉट चेंज स्टेट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, यानी कि सारी फ्लिप फ्लॉप सेम टाइम पर हमारे पास स्टेट चेंज नहीं करती, क्योंकि उनके पास सबकी क्लॉक कॉमन नहीं होती। ठीक है, वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी सी पीछे बताई कि सबकी क्लॉक सेम नहीं होगी, तो सारी फ्लिप फ्लॉप की स्टेट भी एक साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, ऑल्सो नोन एज रिपल काउंटर। रिपल काउंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनपुट क्लॉक पल्स जो होती है, जो मेरी इनपुट की क्लॉक थी, जो मैंने सब कहीं ना कहीं तो क्लॉक दूंगा, सबसे पहले वाली फ्लिप फ्लॉप को जो मैंने क्लॉक पल्स दी होती है वो रिपल करती है। रिपल का मतलब है वो प्रोपेगेट करती है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती जाती है, रिपल्स इफेक्ट। बिल्कुल वैसी जैसे रिपल कैरिएटर नहीं था, एक के आगे एक लगा दिया, फिर उसके आगे दूसरा तीसरा लगा दिया, तो उसमें क्या होता है, आउटपुट मेरा फाइनली जनरेट होने से पहले क्या होता है, कैरी रिपल करती हुई आगे जाती थी, तो इसलिए मुझे कहता था रिपल कैरिएटर, क्योंकि कैरी उसमें प्रोपेगेट करती हुई स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट स्टेज से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ आगे जाती। तो इसमें क्या है, क्लॉक पल्स रिपल करेगा, कैसे वो अभी हम देख लेंगे, क्लॉक एक्चुअली रिपल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये क्या है, आपके पास कमुलेटिव डिले ऐड कर देती है, ठीक है, डिले बन जाता है जिसे प्रोपगेशन डिले कहते हैं, और ये एक ड्रॉबैक है, कैसे इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि ड्रॉबैक कैसे है। ठीक, कह रहे हैं अगर आपके पास एन फ्लिप फ्लॉप है तो आप एक काउंटर बना सकते हैं जो 2 to the power n स्टेट अगर बना सकता है, पॉसिबल है ना, क्योंकि बाइनरी कॉम्बिनेशन n में 2 to the power n कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, डजंट मैटर किस सीक्वेंस में, लेकिन पॉसिबल हो सकते हैं 2 to the power n कॉम्बिनेशंस, तो बन सकता है। ठीक है, और 2 to the power n का मतलब है उसमें मैक्सिमम इतनी स्टेट्स हो सकती हैं, तो हम स्टेट्स को नॉर्मली कह देते हैं मॉड, मॉड फैक्टर। ठीक है, मॉड का वर्ड यूज होता है, ऐसे अगर मैंने बीसीडी काउंटर कहा था उसमें 10 स्टेट थी, तो बीसीडी काउंटर को मैं इन अदर वर्ड्स मॉड 10 काउंटर भी कह सकता हूँ। अगर मेरा फ्रॉम 0 टू लेकर पूरा 15 तक चले तो इसमें टोटल 16 स्टेट्स हैं, तो मैं उसे मॉड 16 काउंटर कह दूंगा। अगर 6 तक चल रहा है, 6 स्टेट्स टोटल आ रही हैं, तो मैं उसे मॉड 6 कह दूंगा। देन अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट इन सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है, हो सकता है काउंटिंग में 0 से स्टार्ट करूँ तो 5 तक जाए, 1 से अगर काउंट कर रहा हूँ तो वो 6 तक जाए, तो इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में हम शायद इस एसिंक्रोनस वाले टॉपिक में ना जाएं, क्योंकि ये आसान हैं लेकिन इनकी भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, अभी लिमिटेशन में आगे बता देता हूँ क्या है। ठीक है, तो नोट कर लें कि आप मॉड एक्स काउंटर साइकिल्स थ्रू एक्स स्टेट, वही वाली बात है, मॉड पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो मैक्सिमम उतनी स्टेट ही वो अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आमिर अब सही आ रही है आवाज? जी आमिर, एक्नॉलेज कीजिए। अच्छा, बाकी सबको आवाज सही आ रही है? एनीवन, आवाज का इशू किसी को आ रहा है? आमिर सबको क्लियर है आपके एंड से, हो लगता है मुझे कि अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो साथ रहिए, थोड़ा वही बात है कि बर्दाश्त कीजिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी आपके एंड से कभी मेरे एंड से खराब होती रहती है। अच्छा, तो हम कहाँ थे, हम कह रहे थे आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप MSB। ठीक है, आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप MSB डिवाइड्स द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी बाय द मॉड नंबर ऑफ द काउंटर, हेंस द काउंटर इज ऑल्सो। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने वाली बात कहाँ से आ गई, फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने वाली बात यहाँ से आ गई कि हमने प्रीवियसली टॉपिक पढ़ा था कि अगर हम दो फ्लिप फ्लॉप को एक पर्टिकुलर फैशन में कनेक्ट कर दें तो वो एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी काम करता है। ठीक है, हमने देखा था कि पहली फ्लिप फ्लॉप पे 2 से डिवाइड हो जाती है, और अगर दूसरी फ्लिप फ्लॉप पर तो 4 से डिवाइड हो जाएगी, तीसरी लगाएंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये बिल्कुल वही वाली बात कर रहे हैं कि काउंटर इज ऑल्सो अ फ्रीक्वेंसी डिवाइड, या इन अदर वर्ड मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडर जो सर्किट था वही मेरा एक्चुअली एक तरीके का काउंटर ही है, यानी हम ऑलरेडी इस काउंटर को विजिट कर चुके हैं किसी और नाम से, जिसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ठीक है, तो मॉड फैक्टर आपको एक्चुअली ये भी बताता है
कि इवेंचुअली लास्ट लास्ट वाले जो आउटपुट है ना उस पर जो फ्रिक्वेंसी आपको मिल रही होगी वो कितने से डिवाइड हो रही होगी। अगर मैं कह रहा हूँ मॉड 10 का काउंटर है, ठीक है, मॉड 10 का मतलब 10 स्टेट्स तक चलेगा, तो अगर आपने इनपुट पे से 10 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी दी थी तो 10 मॉड 10 के काउंटर से थ्रू होने के बाद बिल्कुल आखिरी वाले आउटपुट पे जो आपको अचीव हो रही होगी फ्रीक्वेंसी वो 10 से डिवाइड होकर हो रही होगी। यानी 10 इनपुट पे आई थी तो आखिरकार वो आपको 1 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी रह जाएगी, 100 आई थी तो वो 10 हर्ट्स की रह जाएगी। ठीक है, इसको भी हम आगे ऑब्जर्व भी कर लेंगे कि कैसे ऐसा कैसे हो रहा है तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, एसिंक्रोनस काउंटर की लिमिटेशंस की जो मैं बात कर रहा था वो ये हैं कि एसिंक्रोनस काउंटर या तो इंक्रीमेंटल बनाए जा सकते हैं या तो डिक्रीमेंटल बनाए जा सकते हैं, रैंडम ऑर्डर इसमें पॉसिबल नहीं है। यानी मैं कह रहा हूँ कि ऑड नंबर काउंटर हो, या मैं कह रहा हूँ इवन नंबर काउंटर हो, या प्राइम नंबर काउंटर हो, या कोई भी रैंडम किस्म की सीक्वेंस में चाह रहा हूँ जो कि इंक्रीमेंटल इन नेचर नहीं है या डिक्रीमेंटल इन नेचर नहीं है, तो वो काम मैं नॉर्मली एसिंक्रोनस काउंटर से नहीं कर सकता। अच्छा, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल में ये पॉसिबल है कि मैं प्लस टू का बना सकूं या मैं प्लस वन का बना सकूं। एक स्पेशल काउंटर की आईसी आती है जो मैंने कल शायद किसी को रेफर भी की थी, 7490, तो उसको अगर आप किसी पर्टिकुलर फैशन में अरेंज कर दें तो वो आपको इवन नंबर काउंटर भी बन सकती है। ठीक है, उस पर थोड़ी सी आप लोग रिसर्च कीजिएगा कि कैसे कौन सी लाइन, मतलब वही वाली बात है कि किसको मैं एमएसबी ले लूं या किसको एलएसबी ले लूं। सिर्फ शिफ्टिंग करेंगे ना अगर आप कॉलम्स की तो वो चेंज होकर है इवन नंबर काउंटर बन जाएगी, लेकिन थिंग इज है स्टिल इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल का मतलब यानी ये है कि हर स्टेट के दरमियान जो जंप आएगी वो सेम डिफरेंस होगा, या तो प्लस वन होगा या तो प्लस टू होगा। हो सकता है कोई काउंटर की आई सी ऐसी एग्जिस्ट करती हो जो प्लस थ्री भी कर दे। ठीक है, अभी मेरे फिलहाल इल्म में नहीं है, लेकिन वो रैंडम ऑर्डर नहीं होगा। यानी हर स्टेट के दरमियान डिफरेंस सेम होना मतलब है इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट होने का मतलब। ठीक है, तो ये और हो गई मजीद एसिंक्रोनस के ऊपर थ्योरी। अगर यहाँ पे किसी को कोई क्यूरी है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे चलते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी है? चलिए, नहीं है होपफुली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एसिंक्रोनस रिपल काउंटर की एग्जांपल आ गई और हम वही सर्किट यूज कर रहे हैं जो हमने एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का बनाया था और उसको लेकिन अब नाम दे रहे हैं 2-bit का, ये एक बाइनरी काउंटर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर तो आप समझते हैं ये था क्यों था, लेकिन एज ए काउंटर ये कैसे काम कर रहा है ये हमने बिहेवियर देखना है। अच्छा, सबसे पहले तो ध्यान दें कि जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ठीक है, जे है, के है, ये भी जे है, ये भी के है। ठीक है, और दोनों शॉर्ट हुए हैं। दोनों शॉर्ट होने का मतलब क्या है कि मैं इसको किस मोड में ऑपरेट करवाना चाह रहा हूँ? जी क्लास, इसका आंसर देंगे, दोनों शॉर्ट हुए में मैं इसको किस मोड में ऑपरेट करवाना चाह रहा हूँ? आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्लास आपसे। अगर जेके को मैं दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देता हूँ तो कौन सी फ्लिप फ्लॉप बन जाती है? तो एक्चुअली मेरे पास टी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप बन जाती है, और टी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप दो ही काम करती है, या तो टॉगल करती है या तो नो चेंज करती है। तो इट मीन्स कि मैं, हमने एप्लीकेशन देखी थी ना टी फ्लिप फ्लॉप की, एप्लीकेशन में एक्चुअली हमने पढ़ा था कि ये एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है। तो फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप यूज होती है हमेशा एसिंक्रोनस रिपल काउंटर, कोई और फ्लिप फ्लॉप से नहीं बनता। हमेशा कौन सी फ्लिप फ्लॉप यूज होती है? टी फ्लिप फ्लॉप, या जे के को आप इसी तरीके से शॉर्ट करके टी में कन्वर्ट कर लें, और उससे हमेशा किस मोड में ऑपरेट कराएंगे आप? अगर मैं हाई दे दूं जे और के पे दोनों पे, या टी के इनपुट पे हाई दे दूं, तो आपको पता है कि टी फ्लिप फ्लॉप हो या जे के हो दोनों किस मोड में ऑपरेट करने लग जाती हैं? टॉगलिंग मोड में। यानी इसका आउटपुट जब भी क्लॉक आएगी तो लास्ट स्टेट का इन्वर्ट होता जाएगा, यानी एक तरीके से क्लॉक पल्स ही प्रोड्यूस होगी। प्रीवियस स्टेट जब इन्वर्ट हो जाएगी तो हर क्लॉक साइकिल पे मेरे पास क्या होगा कि मेरा आउटपुट भी अप एंड डाउन हो रहा होगा, लेकिन उसका रेट जो है स्लोअर हो चुका होगा, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है डिवाइड हो चुकी होगी। अगर एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से चेक करेंगे तो वो 2 से डिवाइड हो चुकी होगी, और दूसरे पे चेक करेंगे तो वो 4 से डिवाइड हो चुकी होगी। द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये बातें तो हमें पता है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और असल बात पे आता हूँ कि देखें देखने वाली बात क्या है। आउटपुट है इस फ्लिप फ्लॉप का, ये दो आउटपुट है, क्यू भी है क्यू बार भी है। मैंने फिलहाल जो है यहाँ से क्यू बार को कनेक्ट करा हुआ है क्लॉक से,
मैं क्यू को भी कनेक्ट कर सकता था, लेकिन आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं किया। लेकिन फिलहाल ये देखा जाए कि मैंने क्यू बार के सिग्नल को अगली वाली फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक से कनेक्ट किया हुआ, यानी अगली वाली फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक अलग है और जो मेन सिस्टम की क्लॉक है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली फ्लिप फ्लॉप को यहाँ दी हुई है। कहाँ कनेक्टेड है? वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्टेड है। ठीक, तो अब वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे तो क्लॉक आ रही है, ठीक है, अगर नीचे देख लें क्लॉक ही आ रही है मेरे पास, और फ्लिप फ्लॉप मेरी क्योंकि बबल नहीं लगा हुआ तो ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। जब भी फैसला होगा वो किस एज पर होगा? ये पॉजिटिव एज पे फैसला होगा, यहाँ पर फैसला होगा, फिर यहाँ पर फैसला होगा, और फिर इसी तरह हर पॉजिटिव एज पे डिसीजन मेकिंग मुझे करनी है। सही है जी। तो बात करते हैं अगर क्यू आउट पे, ठीक है, इनिशियली मैंने अज्यूम कर लिया कि क्यू मेरा जीरो है, क्यू वन भी मेरा जीरो, अभी कोई क्लॉक नहीं। अगर ये क्यू नॉट जीरो है तो क्यू नॉट बार डेफिनेटली क्या होगा मेरे पास? उसका इन्वर्ट होता है तो वो क्या होगा? वन होगा। सही है, तो इसलिए क्यू नॉट बार को मैंने वन रख लिया, क्योंकि क्यू और क्यू नॉट और क्यू वन को मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और क्यू नॉट का बार डेफिनेटली उसकी इन्वर्टेड वैल्यू होगी। अब मैंने इधर एक्स्ट्रा पल्स बनाई हुई है क्यू नॉट के बार की। क्यों बनाई हुई है? क्योंकि इसे मैं आगे चल के एज ए क्लॉक सिग्नल यूज करना हो दूसरे फ्लिप फ्लॉप को, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर। तो आपने देखा कि जैसे ही मेरा एज आया तो ये यहाँ से जा रहा था हाई और ये एज की वजह से क्या हो गया? लो। फिर ये लो ही रहा जब तक कि इसकी इनपुट क्लॉक दोबारा से नहीं आई, क्योंकि टॉगल होना है जेके की बेस पे तो, और वो तो सिंक्रोनाइज इनपुट है, तो फिर दोबारा टॉगल होके यहाँ आ गया। फिर दोबारा ये आगे चलता गया चलता गया, हाई था तो कंटिन्यूस हाई रहा। फिर जैसे ही एज आया क्लॉक का, फिर दोबारा से स्टेट टॉगल करी और जीरो हो गया, और फिर दोबारा ये चलता रहा जीरो ही हुई। और फिर फाइनली क्या हुआ कि फिर दोबारा मेरी क्लॉक आई। क्लॉक कौन सी आई? ये वाली क्लॉक की बात कर रहा हूँ। एज आया तो मैंने फिर दोबारा से स्टेट चेंज की, वन हो गया और फिर दोबारा रिटेन रहा, और यही बिहेवियर चलता रहेगा हर क्लॉक पल्स पे। ठीक है, बात समझें? तो हर क्लॉक पे क्या होगा? ये अपने स्टेट को टॉगल करता रहेगा क्यू नॉट बार। तो अगर क्यू नॉट बार की वैल्यूज ये हैं, ठीक है, क्यू नॉट बार की वैल्यूज ये हैं, तो क्यू की वैल्यू बिल्कुल इसके अपोजिट ही चल रही होंगी। देख सकते हैं आप पल्स को, यहाँ पे ये जीरो है क्योंकि वो वन था, इस हिस्से में वो जीरो था तो ये वन है, इस हिस्से में ये वन था तो ये जीरो चल रहा है, ये जीरो था तो ये वन चल रहा है, बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। ठीक है, क्यू और क्यू बार एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्यू बार और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मैंने क्यू बार की पल्स आपको बना के दिखा दी और बिल्कुल उसी की अपोजिट पल्स मैंने बना ली क्यू नॉट की। ठीक है, क्यू नॉट बार और क्यू नॉट की पल्स एक दूसरे की अपोजिट आएंगी। क्यू नॉट बार मैंने आपको बना के दिखा दी किस तरह चेंज हो रही है, तो आप बिल्कुल उसी की अपोजिट, यानी जहाँ पे वो जीरो है वहाँ पे क्यू नॉट बार वन है, क्यू नॉट बार जहाँ पे वन है वहाँ पे क्यू नॉट जीरो है। ठीक है, इस तरीके से दोनों वैल्यूज की मैंने क्लॉक पल्स ड्रॉ कर ली। तो यहां तक सो फार सो गुड, मुझे कोई मसला नहीं है, ये दो पल्सेस आ गए। अब आते हैं असल वाली फ्लिप फ्लॉप पे, यानी इस फ्लिप फ्लॉप की बात करो, इसके इनपुट पे कौन सा सिग्नल आ रहा है? क्यू नॉट का बार। इट मीन इसकी क्लॉक कौन सी बन जाएगी? क्यू नॉट के बार वाली लाइन, यानी इसकी क्लॉक है ये लाइन, तो मैं यहाँ पे एजेस बना देता हूँ। और फ्लिप फ्लॉप चूंकि मेरी कौन सी है? एक्टिव है। कौन सी वाली एक्टिव है? फ्लिप फ्लॉप मेरी कौन सी है? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। फ्लिप फ्लॉप मेरी कौन सी है? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो मैंने इसका ऊपर जाने वाले एज पे भी एरो बना दिया, और फिर दोबारा जब यह जा रहा था, फिलहाल इतनी मैंने पल्स बनाई तो यहाँ पे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि इनिशियली अगर देखा जाए तो मेरा सिग्नल लो था और वो लो ही रहेगा जब तक कि क्लॉक पल्स नहीं आ जाती। तो ये लो ही जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? आपने देखा इसकी क्लॉक है कौन सा सिग्नल? ये वाला सिग्नल। इसकी क्लॉक है कौन सा सिग्नल? ये वाला सिग्नल। तो ये सिग्नल आप देखें, अगर यहाँ पे इसने स्टेट चेंज करी और एक्टिव एज बन गया, यानी राइजिंग एज पे जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे इस वाले आउटपुट पे चेंजेस आएंगे और ये टॉगल होके वन हो जाएगा। और ये वन रहेगा। कब तक वन रहेगा? जब तक कि फिर दोबारा से एज ना, फिर दोबारा से मैंने एज इनकाउंटर किया यहाँ पर, तो ये दोबारा से स्टेट मेरी चेंज होकर डाउन हो गई, और फिर दोबारा से ये डाउन हो गई, तो डाउन ही चलती रहेगी और यही बिहेवियर आगे चलता रहेगा। जब जब एज आएगा तो मेरा ये आउटपुट टॉगल ही करेगा, क्योंकि मैं टॉगल मोड में ही काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा
स्लोअर क्लॉक मेरे इनपुट पे आ रही होगी, और ये हम इस पर बात कर चुके हैं स्लोअर हो जाती है क्योंकि हमने बिहेवियर देखा था टाइम पीरियड्स का। तो डिवाइडर पे मैं भी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको आइडिया है कि क्लॉक पल्स को मैं कंपेयर करूंगा तो उसकी दो पल्स पे उसकी एक आ रही होगी और उसकी चार पल्स पे उसकी एक पल्स आ रही होगी। तो इसलिए हमने कहा था कि ये टोटल फोर से डिवाइड हो रहा है। ठीक, यहाँ तक ये बात हो गई। अब अगर बात करूँ कि मैं इसको काउंटर क्यों कह रहा हूँ, मेरे एक्चुअल आउटपुट ऑफ द सर्किट क्या है, ये है, एक यहाँ से आउटपुट जनरेट हो रहा है और यहाँ से, तो ये टू बिट का मेरे पास एक सर्किट काउंटर बन गया जिसमें यहाँ पर है ये आउटपुट उसका है LSB। ठीक है, पहली वाली जो है वो उसकी है LSB है, और जो दूसरी वाली है वो उसकी क्या चीज़ है, MSB है, MSB है। और अगर मैं ओवरऑल अपना सर्किट देखूँ, ठीक है, तो मेरा सर्किट क्या है, सॉर्ट ऑफ एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा सर्किट है। ठीक है, मेरे सर्किट में मुझे ये दिखाई देगा, ठीक है, ये भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये भी मैं उसके अंदर ही डिस्क्लोज कर दूंगा क्योंकि इंटरनली ही वो शॉर्ट होता है। एसिंक्रोनस काउंटर में हाई इंटरनली ही दे दिया जाता है क्योंकि ये किसी और मोड में ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, तो क्लॉक लाइन आ रही है आउटपुट पे, और बस इनपुट से क्लॉक लाइन आ रही है, आउटपुट दो बिट निकल रही है LSB एंड MSB। तो मुझे चेक करना है कि LSB और MSB पे क्या बिट पैटर्न आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बिट पैटर्न को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, इस बिट पैटर्न को मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ कि मैं अपनी पल्सेस को चेक करता हूँ। ठीक है, और पल्सेस में मैंने बताया था ना कि पल्स अगर डाउन है तो जीरो होता है और पल्स अगर अप है तो मैं वन, तो मैं अपनी पल्स पे लेबलिंग करना शुरू करता हूँ। लेकिन मेरा आउटपुट कौन सा है, सिर्फ Q0 ये वाला है और Q1। Q0 बार मेरा आउटपुट में शामिल नहीं है क्योंकि वो तो इंटरनली बस मैंने क्लॉक के लिए यूज किया, लेकिन एक्चुअली जो IC के बाहर जाएंगी पिंस, वो वाली पिंस की बात। तो Q0 पे इनिशियली जीरो था, ठीक है, मैंने जीरो लिखा, फिर थोड़ी देर बाद वो क्या हो गया, यहाँ पे जाके वो वन हो गया। अच्छा, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, इतना विजिबल नहीं हो रहा, ये वापस रेड कलर ले लेते हैं। इनिशियली ये जीरो था, ठीक है, जीरो लिख लिया, फिर थोड़ा आगे चल के ये वन हो गया, फिर दोबारा से ये जीरो हो गया, फिर दोबारा से ये वन हो गया। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट लेबल कर रहा हूँ कैसे हुआ ये पल्स, तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कैसे चेंज होकर आई और ये जीरो। फिर इसी तरह मैंने आगे वाली पल्स लिखी, हर क्लॉक साइकिल पे लिख रहा हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लॉक, दिस क्लॉक साइकिल के रिस्पेक्ट से मैं इनकी वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो इसमें दो मरतब आ रही थी तो दो दफ़ा लिख ली। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, ये नीचे है तो मैंने जीरो ही लिख लिया, पहली क्लॉक आने के बाद भी ये जीरो ही रहा, दूसरी क्लॉक आने के बाद इसकी वैल्यू चेंज होकर वन हो गई, तीसरी क्लॉक आने के बाद इसकी वैल्यू चेंज होकर चेंज नहीं हुई, रिटेन रही, वन ही रही, फिर चौथी पे इसको देखा तो चेंज हो चुकी थी और वो जीरो हो गई थी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को अगर मैं आउटपुट पे नोट करूं एज अ बाइनरी नंबर कंबाइन ऑफ टू, ठीक है, काउंटर की टू बिट की स्टेट बन रही है और एज अ कंबाइन ऑफ टू जब मैं नोट करूंगा तो मुझे जाहिर सी बात है पहले MSB लिखनी है फिर LSB लिखनी है, तभी होता है ना। तो मैंने यहाँ से नोट किया, तो पहले Q1 की वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे जीरो, और Q0 की वैल्यू भी आ गई जीरो, तो पहली स्टेट मैंने कहा भाई जीरो जीरो आ रही है। फिर जब दूसरे में नोट करने लगा तो ये वाली मैं थोड़ा हाईलाइट करता जाता हूँ साथ साथ, पहले जो मैंने नोट की हैं वो थी, पहले वाली वैल्यू जो हैं वो आ गई थी ये, ठीक है, ये नोट कर ली। जब दूसरे में मैं नोट कर रहा हूँ तो मैं पहली साइकिल के बाद चेक करूँगा कि एक साइकिल आ चुकी है, अब स्टेट जाहिर सी बात है स्टेबल हो गई है। तो इसमें क्या आया भाई, MSB पे है जीरो, ठीक है, और LSB पे क्या है, MSB पे है जीरो और LSB पे क्या है वन, तो मैंने 01 लिख दिया। मैंने कहा सेकंड स्टेट कंबाइन दोनों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मिला गया, जो सेकंड स्टेट है वो बन रही है 01। फिर इसी तरह मैंने थर्ड साइकिल के बाद चेक कर लिया, थर्ड साइकिल के बाद यानी कि ये वाला बिहेवियर चेक किया, जब इन दोनों को मैंने MSB टू LSB फैशन में लिखा तो MSB टू LSB फैशन में मुझे पता लगा कि MSB तो हो चुकी है 1 और LSB है 0, मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, फिर दोबारा यही बिहेवियर मैंने रिपीट किया और अगली क्लॉक के बाद चेक किया ये वाला बिहेवियर, ठीक है, अगली क्लॉक के बाद ये वाला बिहेवियर चेक किया, तो इसमें भी कोई बात है, MSB है Q1, तो Q1 पे आया हुआ है 1 और Q0 पे भी आया हुआ है 1, तो दोनों 1-1 लिख दिए। देन फर्दर मैंने दोबारा से चेक किया और दोबारा से चेक करने के बाद मुझे पता लगा कि 0-0 दोबारा से आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैं दोबारा से लिखूंगा अगर आगे स्टेट को चेक करूंगा तो वो क्या आ रही होगी, दोबारा से 0-0,
और मैंने फर्दर आगे नोट करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि अब ये साइकिल्स थ्रू करना शुरू कर दिया, यानी अब इसकी स्टेट जीरो के बाद दोबारा वन आएगी अगर मैं चेक करूंगा, फिर दोबारा वन जीरो आएगी, फिर दोबारा वन वन आएगी, और फिर इसी साइकिल में वो फंसा है। अच्छा, इधर देखने वाली बात क्या है, इधर देखने वाली बात ये है कि आप अगर देखें तो जीरो जीरो मीन्स आपका डेसिमल का जीरो, जीरो वन मीन्स आपका डेसिमल का वन, वन जीरो का मतलब आपका डेसिमल का टू, एंड वन वन मीन्स डेसिमल का थ्री, और फिर दोबारा से वापस आ गया आपके पास जीरो। तो यही सीक्वेंस चली जा रही है, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। अगर काउंटिंग मेरी जीरो से स्टार्ट हो रही है और वो आगे की तरफ बढ़ रही है तो मैं इस काउंटर को क्या कहूंगा, ये काउंटर मेरा इंक्रीमेंटल काउंटर है या ये काउंटर मेरा डिक्रीमेंटल काउंटर है? जी क्लास में क्या कहूंगा इसे? एनीवन? ख्याल से डिलेस ने चले, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मेरी सीक्वेंस आप देख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड आगे बढ़ रही है, तो मेरा काउंटर ऑब्वियसली कौन सा है, एक इंक्रीमेंटल काउंटर है। यानी अगर मैं अपने आईसी को इन फैशन में कनेक्ट करूंगा, इसी फैशन में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जिसमें मैंने क्यू बार को फेड किया है आगे क्लॉक में, तो मेरा काउंटर एक इंक्रीमेंटल काउंटर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने स्टेट्स को आपको मार्क करके चला के दिखा दिया, यानी अगर आउटपुट पे मैं कोई बाइनरी नंबर नोट कर रहा हूँ, हो सकता है बाइनरी नंबर में डायरेक्टली नोट कर ना कर रहा हूँ, इसके आगे एक बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर लगाओ, उसके आगे सेवन सेगमेंट लगाओ, तो ये एक तरीके से हिंट भी हो गए आपके प्रोजेक्ट की, पीछे काउंटर के आउटपुट पे मैं बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डिकोडर लगाऊँ और उसके आगे मैं सेवन सेगमेंट लगा दूँ तो मुझे नंबर डिस्प्ले होते दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन अगर फोर बिट का हो, क्योंकि बी सी डी इज अ फोर बिट नंबर, यानी इसको मैं फर्दर कैस्केड करके आगे बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर कोई क्यूरी है? जी क्लास, चलें तो उम्मीद करता हूँ यहाँ कोई क्यूरी नहीं है। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, टाइम सेशन का एंड हो रहा है, फिर हम रिज्यूम करेंगे 5 मिनट के बाद। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ और हम मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ तो अटेंटिव ही रहिएगा। अटेंडेंस आज हमारा रेशियो कम है, क्यों कम है इसका रीज़न नहीं मुझे समझ में आ रहा, लेकिन आज हमारी स्ट्रेंथ कम है काफ़ी। ठीक है क्लास, तो मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है, हम रिज्यूम करते हैं आफ्टर। अच्छा, तो क्लास रिज्यूम कर लेते हैं, ये स्लाइड हमारी हो गई, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। और हम बात कर रहे थे हम और एक इंक्रीमेंटल काउंटर की 2 बिट का रिपल बाइनरी काउंटर था। ठीक है, बाइनरी क्यों कहा था, क्योंकि इसकी स्टेट्स जो थी वो आउटपुट पे मेरे पास बाइनरी आ रही थी, तो ये बाइनरी है और 2 बिट्स थी तो 2 बिट का हो गया, और ये मैंने फर्दर ऑब्जर्व किया था ये एक इंक्रीमेंटल काउंटर। सिमिलरली मैं चाहूँ तो 3 बिट का रिपल बाइनरी काउंटर भी बना सकता हूँ, करूँगा क्या, सिर्फ आगे एक और कैस्केड कर दूंगा स्टेट में। आपके पास कैस्केड कर दी, मैंने क्या चीज़ कैस्केड की है, मैंने कैस्केड कर दिया सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन, पहले मेरा आउटपुट सिर्फ Q1 तक था, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसे ये हिस्सा भी लगा दिया, यानी एक और स्टेट ले आया Q2 ले आया, तो अब मेरे पास 3 आउटपुट हो गए Q0 Q1 Q2। बिहेवियर स्टिल वही है, इसका इसकी क्लॉक जो है Q0 का बार बन रहा था तो इसकी क्लॉक Q1 का बार बनेगा, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्लॉक बिल्कुल वैसे ही जा रही है जैसे पहले थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये इसकी क्लॉक ये बन रही है, रिपल इसमें ये हो गया अफेक्ट और इसमें ये अफेक्ट हो गया, और नीचे इसकी पल्सेस बनाई हुई। अच्छा, नीचे जो पल्सेस बनी हुई है उसमें ध्यान रखें ना कि मैंने इस मर्तबा Q0 बार की पल्स नहीं दी है और Q1 बार की भी नहीं दी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको जहन में रखते हुए मैंने Q1 खुद ब खुद ट्रिगरिंग की है। ठीक है, अगर देखा जाए तो चलो ये तो मेरी Q0 तो ऐसे ही आ गई। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान दो Q1 को कब चेंज होना चाहिए, Q1 ये है,
Q1 को चेंज होना चाहिए जब मेरे पास ये जो है राइज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्टिव एज मेरा राइजिंग है, फ्लिप फ्लॉप मेरी पॉजिटिव एज स्टेटमेंट, तो क्यू नॉट राइज कर रहा हूँ तब मेरा Q1 चेंज होना चाहिए। या मैं ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त क्यू नॉट बार राइज कर रहा होगा, Q1 उस वक्त क्या कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, ठीक है, जब क्यू नॉट ऊपर की तरफ जा रहा है क्यू नॉट का बार, तो क्यू नॉट उस वक्त नीचे की तरफ आ रही होगी पल्स। तो मैंने यहाँ पे देखो जब भी ट्रिगरिंग करी हुई होगी तो वो कैसे करी हुई है, देखो ये फॉल हो रहा है, क्यू नॉट के रिस्पेक्ट से देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये भी फॉल हो रहा है, ये भी फॉल हो रहा है, ये भी फॉल हो रहा है। अगर क्यू नॉट फॉल हो रहा है तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्यू नॉट बार राइज हो रहा होगा। तो मैंने क्यू नॉट बार बना के नहीं दिखाया, लेकिन आप बात समझ जाएंगे कि इस वक्त ये फॉलिंग एज ऑफ क्यू नॉट देख रहा हूँ, तो राइजिंग एज ऑफ क्या होगा, क्यू नॉट बार होगा, ठीक है। तो मेरी चेंजेस जो मैंने करी है, यानी इस एज पे चेंज कर रही, देखो इस एज पे ये चेंज होके यहाँ हो गया क्यू नॉट बार, फिर इस एज पे चेंज हो गया, फिर इसी एज पे चेंज हो गया, एंड सो ऑन, ये बिहेवियर ये रिपीट करता रहा। और यही काम सिमिलरली देखा जाए तो यहाँ पे भी हो रहा है, Q1 के बार के बजाय मैं किसको चेक करूँ, Q1 को चेक कर लूंगा, Q1 बार का अगर मुझे राइजिंग एज चाहिए था तो Q1 का मुझे फॉलिंग एज चाहिए, तो मैंने इधर भी यही किया, इसके फॉलिंग एज पे चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने अंदाजा लगा लिया ना कि अगर ये फॉल हो रहा है तो जो मेरी क्लॉक बना हुआ है वो इस वक्त राइज हो रही होगी, ठीक है। तो Q1 अगर फॉल हो रहा है तो Q1 का बार इस वक्त राइज हो रहा होगा, और Q2 को हमेशा इस स्टेट पे ही चेंज होना है, तो Q2 जो है इस स्टेट पे अपने आप को चेंज करेगा, अप डाउन था तो अप चला जाएगा, अप था तो वापस डाउन आ जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने वही किया, लेबलिंग करके देख लिया कोड जो बन रहा है, यहाँ से देखो 000, तो अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ इस चीज़ को तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, क्लियर कर देता हूँ मैं इसे, लेकिन वो बात जो हाईलाइट करनी है कि मेरे कोड्स क्या बन रहे हैं, तो कोड्स क्या बन रहे हैं, पहला कोड अगर देखा जाए MSB2LSB, ये देखो ये बन रहा है मेरा 000, तो ये काउंटिंग में 0 आ रहा है। फिर MSB2LSB की तरफ देखा जाए तो 001, ये मेरा 1 का कोड आ रहा है। फिर MSB2LSB मैंने कोड का पैटर्न चेक किया तो ये आ गया मेरे पास 2, फिर चेक किया तो ये आ रहा है 3, फिर चेक किया तो आ रहा है 4, देन सो ऑन 5, ये कोड मेरे पास आ गया 5 का, ठीक है। इसी तरह ये कोड आ गया मेरे पास 6 का, और ये 7 का, और डेफिनेटली 3-bit का काउंटर है तो इसमें टोटल 8 स्टेट होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है तो 7 तक जाएगी, और उसके बाद फिर वो साइकिल करना शुरू कर देगा दोबारा से 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, सवाल मेरा आपसे यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंटर, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंटर, काउंटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा जब भी मैं काउंटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कहूँगा ना तो मैं सबसे लास्ट वाले आउटपुट की बात करूँ, ठीक है। जब भी मैं काउंटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो इसका मतलब है मैं फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बताओ क्या आएगी इस एंड पे, यानी Q2 पे सबसे आखिर में फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। अगर मैंने इनपुट पे जो क्लॉक पल्स दी थी वो क्या थी, 24 kHz, यानी इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर 24 kHz थी तो आउटपुट भी क्या होगी, ठीक है। वैसे मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर लेता लेकिन टाइम शॉर्ट है तो थोड़ा सा खुद ही बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हर फ्लिप फ्लॉप से गुजरने का 2 से डिवाइड होती है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बन चुकी होगी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 24 को डिवाइड करूंगा 2 से तो क्या हो जाएगी 12 kHz, 12 को फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा तो इधर क्या हो चुकी होगी 6 kHz, और 6 को फर्दर एक और स्टेट से गुजरेगी डिवाइड हो चुकी होगी तो फाइनली यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी बनेगी 3 kHz, ठीक है। मेरे पास आंसर आ गया था आमिर का कहना है कि सर 3 kHz बिल्कुल सही, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि मेरी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मॉड क्या है, मेरा मॉड का फैक्टर इस वक्त बन रहा है ये 7 तक चल रहा है, 0 से 7, तो ये मॉड 8 है, टोटल इसमें 8 स्टेट आ रही है ना, तो मैं इसको कहूँगा ये मॉड 8 काउंटर है। अगर ये मॉड 8 काउंटर है तो मेरी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी इस फैक्टर से ही डिवाइड होगी, यानी 24 को डायरेक्ट मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3। तो अगर आप मॉड आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं मॉड नंबर से डिवाइड करके कि आपकी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी यानी सबसे आखिरी वाली फ्लिप फ्लॉप की फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है, ठीक है, राइट। कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि मैं काउंटर की तस्वीर दे दूँ आपसे, बोलूँ मुझे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बताएं, ठीक है। तो एग्जाम हो सकता है ऑनलाइन ही हो, जैसे क्विज असाइनमेंट चल रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कम टाइम में क्विक आंसर्स के लिए, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पे कोई क्यूरी नहीं होगी, सेम काउंटर ही है। आगे बढ़ता हूँ और आगे आ जाते हैं हम एक सब टॉपिक पे जिसका नाम है प्रोपगेशन डिले, या एक इशू है जो कि
एसिंक्रोनस काउंटर में आता है. प्रोपगेशन डिले इन एसिंक्रोनस काउंटर इज ड्यू टू द रिपल क्लॉक सिग्नल. क्लॉक सिग्नल जो आपका रिपल हो रहा होता है ना, एक क्लॉक सिग्नल का जो रिपल है आपका इफेक्ट, वो उसकी वजह से आपके पास प्रोपगेशन डिले आता है. आमिर सब डिटेल्स जो है क्लासरूम पर मौजूद है, वहाँ जाके देख लो कब देनी है, क्या क्या चीज़ें, डेडलाइन भी मैंशन है. इंस्ट्रक्शन काइंडली केयरफुली पढ़ लेना और बाकी सबसे भी यही कह रहा हूँ. ठीक है, प्रोपगेशन डिले क्यों हो रहा है, कह रहे हैं रिपल क्लॉक की वजह से होता है. रिपल क्लॉक की वजह से होता है. अब इससे क्या मतलब है कि वैसे तो मैंने पल्स से एक बात बताई हुई है कि हो सकता है कि क्लॉक से आउटपुट आने तक, देखिए मैंने यहाँ से क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया और मेरा उसी इंस्टेंट पे आउटपुट नहीं आ जाता. आपको पता बीच में सर्किट है, सर्किट में एंड और गेट हैं, उनके कुछ ना कुछ डिलेज हैं, तो उससे जब सिग्नल पास होकर फाइनली आउटपुट पे पहुंचता है तो आउटपुट चेंज होने में थोड़ा बहुत डिले आ जाता है. तो इसमें देखो यही बताया कि अगर ये मेरी क्लॉक थी और क्लॉक से मेरा आउटपुट चेंज होने में इस सूरत में इतना सा डिले जो है ना इसमें ऐड हो गया. ठीक है, लेकिन चूंकि रिपल काउंटर में क्या होता है, ये क्लॉक बन रहा होता है मेरी अगली साइकिल की, तो इसने फर्दर अगली साइकिल में ये डिले ऐड किया और इसमें प्रीवियसली ये डिले पहले से था, पहले स्टेज की वजह से आया था. और फिर फर्दर ये दूसरा किसी के आगे क्लॉक बनता है, तो आगे क्लॉक बनता है तो ये डिले ये फर्दर ऐड करता है और ये जो डिलेज हैं प्रीवियस स्टेजेस की वजह से इसमें थे. तो आप देख रहे हैं कि डिले का एलिमेंट क्या है, आहिस्ते आहिस्ते जिस तरह फ्लिप फ्लॉप कैस्केड होती जा रही है मेरा डिले का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है. अब इससे मसला क्या होगा, इससे मसले को समझाने के लिए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ. वो बात समझाया जा सकती है कैसे, कि मैं आपको एक पीछे वाली स्लाइड पे ले चलता हूँ और बात क्लियर कर देता हूँ कि क्या होगा. आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें क्या हो सकता है मसला. से ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास ये तीन फ्लिप फ्लॉप्स लगी हुई हैं, ठीक है, एज अ होल तो ये एक काउंटर है. पहले तो मैं आपको ये पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, ये एक होल काउंटर है. ठीक है, ठीक है, एक ये होल काउंटर है. अब इसमें क्या है कि मेरे पास इनपुट पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी है. इसकी इनपुट की क्लॉक की फ्रीक्वेंसी मैं फिलहाल ले लेता हूँ से 2 हर्ट्ज. ठीक है, 2 हर्ट्ज ले ली सिर्फ. ठीक है, 2 हर्ट्ज की मैंने फ्रीक्वेंसी अज्यूम कर ली. और इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि तीन फ्लिप फ्लॉप्स लगी हुई हैं और मैं कह रहा हूँ ईच फ्लिप फ्लॉप का, यानी जब उसे क्लॉक अप्लाई होती है और वो आउटपुट जनरेट करने में डिले लेती है 1 हर्ट्ज. अच्छा 2 हर्ट्ज लिख दिया है इसको मैं, बल्कि टाइम पीरियड में लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है. इसको हर्ट्ज के बजाय मैं टाइम पीरियड लिख लेता हूँ कि 2 सेकेंड्स है. ठीक है, ये 2 सेकेंड्स वाली पल्स है. ठीक है, यानी 2 सेकेंड में एक पल्स आएगी. हर्ट्ज की बात करेंगे तो वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, यानी ये 0.5 हर्ट्ज की है. ठीक है, टाइम पीरियड से ले लेते हैं ज़्यादा आसान रहेगा. यानी 2 सेकेंड्स वाली एक पल्स आ रही है, यानी हर मरतबा क्लॉक जो है 2 सेकेंड के बाद अपना एक्टिव एज भेजती है. हर 2 सेकेंड के बाद एक्टिव एज भेजती है, यानी हर 2 सेकेंड के बाद इसका जो है इनपुट से आउटपुट पे बिहेवियर चेंज होगा. लेकिन मैंने फ्लिप फ्लॉप जो अंदर लगाई हुई है उन पे मैंने फिक्स दे दिया कि इनके डिलेज जो है ना वो हैं 1 1 सेकेंड्स की. यानी 1 सेकेंड का प्रोपगेशन डिले ये ऐड करेगा, 1 सेकेंड का प्रोपगेशन डिले ये ऐड करेगा और 1 सेकेंड का प्रोपगेशन डिले ये ऐड करेगा. यानी ये पता लगता है कि ये तीनों फ्लिप फ्लॉप का डिले होकर मुझे आउटपुट जो मिलता है टोटली वो मिलता है 3 सेकेंड्स में. ठीक है, मेरा इनपुट अप्लाई होने से क्लॉक का सिग्नल आने के बाद, यानी क्लॉक का सिग्नल जब यहाँ पे आएगा तो इससे आउटपुट जनरेट होने में फाइनली, चूंकि 3 फ्लिप फ्लॉप लगी 1+1+1 अभी हमने देखा ना सीरीज में, तो ऐड हो जाएगा डिले. तो टोटल 3 सेकेंड्स के बाद मेरा फाइनली जाके आउटपुट चेंज होगा. तो हुआ क्या कि जब मैंने यहाँ से क्लॉक अप्लाई करी, 1 सेकेंड गुजरा, 2 सेकेंड गुजरे, आउटपुट अभी 3 सेकेंड बाद आना था, लेकिन क्या हुआ क्योंकि मेरी इनपुट क्लॉक 2 सेकेंड की थी तो एक नई साइकिल आ गई, क्लॉक का एज दोबारा से हाई हो गया. ठीक है, अभी मेरा आउटपुट स्टेबल नहीं हुआ था, मेरा आउटपुट अचीव नहीं हुआ था, लेकिन क्लॉक पल्स दोबारा से आ गई. यानी आउटपुट स्टेबल होने से पहले या रीच करने से पहले ही मेरे दोबारा से एक नई पल्स आ गई, तो ये मसला आ गया क्योंकि डिलेज जो मेरे सम बन रहे थे ना कम्युलेटिव डिले, वो मेरी क्लॉक पल्स की विथ से ज़्यादा बड़ा हो गया. यानी क्लॉक पल्स टोटल 2 है तो सेफ मेरे पास प्रोपगेशन डिले की विंडो क्या है वो 2 सेकेंड के अंदर ही रहनी चाहिए. अगर वो उससे बढ़ गई तो बिहेवियर ऑफ काउंटर या बिहेवियर मेरे आउटपुट स्टेट का बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता. क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कि मेरा आउटपुट प्रोड्यूस हो मैं इनपुट से दोबारा से एक नई चीज़ कह दूंगा कि आप स्टार्ट करें. ठीक है, इट्स लाइक ऐसे कि आप इससे पहले कि कंज्यूम करें कोई चीज़ और नई चीज़ दोबारा से आ जाए. इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि अगर मैं आपको एक समझ लो पैकेजिंग फैक्ट्री की बात कह देता हूँ. ठीक है,
ठीक है, एक ऑटोमेटिक पैकेजिंग फैक्ट्री है और उसमें से ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, ब्लिस्टर्स यानी कैप्सूल पैक हो रहे हैं। तो नीचे से आपने देखा कैप्सूल की प्लास्टिक रैपिंग आई, ऊपर से कैप्सूल उसमें फेड हुए और फिर दोबारा से क्या हुआ, वो आगे बढ़ा और फिर दोबारा से नीचे से दूसरी कैप्सूल की एम्प्टी पैकेट्स आए, फिर उसमें कैप्सूल गिरे, फिर पैक हुए। अगर इसमें क्या हो कि इनपुट की फ्रिक्वेंसी में बढ़ा दूं आउटपुट जनरेट होने से पहले, यानी इससे पहले कि नीचे से वो कैप्सूल का एम्प्टी वो आए मेरे पास और ऊपर से कैप्सूल फेड होना शुरू हो जाए, तो आपके ख्याल में क्या होगा? अभी नीचे वो आया नहीं और ऊपर से मैं कैप्सूल इनपुट करना शुरू कर दूं, तो उस केस में कैप्सूल मेरे जो हैं कैप्सूल की पैकेजिंग में नहीं जाएंगे बल्कि मशीनरी पे कहीं गिरना शुरू हो जाएंगे और इस तरीके से मेरा सिस्टम का बिहेवियर जो है ख़राब हो जाएगा या एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। अब अगर एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे सिस्टम का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पे भी होता है कि अगर इनपुट तेजी से जनरेट हो रहा है और आउटपुट प्रोड्यूस होने से पहले 2 मरतबा इनपुट जनरेट हो जाए तो ये बिहेवियर मेरा लिए मसले का बाइस है। तो रूल ऑफ थम क्या है कि हमेशा मेरा पूरा सिस्टम का प्रोपगेशन डिले से ज़्यादा की क्लॉक मुझे रखनी है, यानी सिस्टम को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर ये सर्किट मेरा भाई मैं कह रहा हूँ कि 3 डिले लेगा ही लेगा, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसके लिए सेफेस्ट मिनिमम क्लॉक जो ले सकता हूँ वो है 3 सेकेंड की। 3 सेकेंड से कम पे मैं सिस्टम को चला ही नहीं सकता क्योंकि इस पे लिखा हुआ आ गया है कि इसका डिले जो है 3 सेकेंड तो लेगा ही लेगा। तो मुझे जिस पे क्लॉक देनी है वो 3 सेकेंड या उससे ज़्यादा की देनी है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ही रखते हैं ताकि ये मसला ना आए, सिस्टम अपना इनपुट अप्लाई होने से फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर ले फिर जाके मैं उसे नया इनपुट दूँ, ठीक है। तो ये बात समझ लो, तो मिनिमम जो है मुझे क्लॉक साइकिल इस पे देनी पड़ेगी वो होगी 3 सेकेंड्स की, क्योंकि मेरे सिस्टम का बिल्कुल जो डिले है मैक्सिमम डिले है वो 3 सेकेंड्स तो है ही है, तो उससे कम की क्लॉक दूंगा तो मेरा सर्किट मिसबिहेव करेगा, सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात थी प्रोपगेशन डिले की, समझ में होपफुली आ गई होगी, नहीं आएगी तो इस वीडियो को बार बार सुनना, तो पॉइंट्स मैंने सारे तकरीबन हाईलाइट कर दिए, बात समझ में आ जाएगी और थोड़ी सी ये पल्स डायग्राम या वेव डायग्राम बनाएगी। तो कह रहे हैं यहाँ पे यही बात कि इफ एक्यूमुलेटेड डिले इज ग्रेटर देन द क्लॉक पल्स, ये वही बात कह रहे हैं कि अगर टोटल डिले क्लॉक पल्स से ज्यादा हो जाएगा तो सम काउंटर स्टेट में भी मिस रिप्रेजेंटेड, आप जो एक्सपेक्ट करोगे स्टेट आउटपुट आनी चाहिए वो आएगी नहीं और कुछ और आ रही होगी उस वक्त, ठीक है, तो आउटपुट अनएक्सपेक्टेड सा हो जाएगा। तो हमने टोटली ये कंडीशन अवॉइड करनी होती है हार्डवेयर के व्यू पॉइंट से। सिमुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हार्डवेयर पे ये एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है कि क्लॉक पल्स आपके टोटल सर्किट के डिले से ज़्यादा की होनी चाहिए ताकि ये मसला ना आए, ठीक है। टाइम कम है तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ और कंक्लूड कर देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि एसिंक्रोनस अप काउंटर आपने बनाया तो एसिंक्रोनस का डाउन काउंटर भी होता है, ठीक है, तो आप को रिलेट कर लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स बनाई हुई, ठीक है। ऊपर वाली अगर डायग्राम देखें, अच्छा अब आप देखेंगे कहेंगे सर अब आप इसमें क्यू फैट करके आप काउंटर बना रहे हैं, अभी पीछे तो आपने क्यू बार फैट किया था, ठीक है, तो ध्यान रहे कि वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप मेरी कौन सी थी, एक्टिव हाई वाली थी, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप मेरी एक्टिव लो है, तो ये बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है अगर मेरी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हाई से एक्टिव लो हो जाए। यानी इधर अगर मेरे पास फ्लिप फ्लॉप एक्टिव लो है तो मैं क्यू बार को आगे फेड नहीं कर रहा बल्कि क्यू को आगे क्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन में जब आप आउटपुट सीक्वेंस या पल्स बना के बिहेवियर चेक करेंगे तो मेरे पास अप काउंटर आएगा, लेकिन अगर मेरी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर कौन सी होती, एक्टिव हाई होती, तो मैं क्यू बार को फेड कर रहा था। बात सारी ये है कि बार यहाँ से होकर मिले, यहाँ पे भी बबल लगे होने का मतलब क्या है कि क्लॉक सिग्नल इन्वर्ट होकर मिलेगा, और बार यहाँ से होकर मिले तब भी वही बात है ना, मतलब ये है कि क्यू यहाँ पर था, क्यू को मैंने आगे चल के कहीं जाके बबल लगा दिया और फिर क्लॉक बनाई, तब भी मेरे पास वही सिग्नल जनरेट होगा, क्या जनरेट हो रहा होगा, वो क्यू बार ही बन जाएगा, वो इवेंचुअली अंदर सर्किट के क्या पहुंचेगा, क्यू बार, ये डायरेक्टली मैं यहाँ से क्यू बार को नीचे से पिक करूँ, ठीक है, और वो डायरेक्टली मैंने उस वाले सर्किट पे लगा दिया जिसकी क्लॉक कौन सी थी, एक्टिव हाई थी, तो उस फेस में भी मेरे पास क्या पहुँच रहा होगा, क्यू बार ही पहुँचेगा। तो ओवरऑल मैकेनिक सेम है दोनों सूरतों में, मुझे क्यू बार अगर अब आगे जाता है तो वो अप काउंटर बनेगा, लेकिन अगर मैं अपोजिट वाला फैट कर दूं तो मेरा काउंटर की बिल्कुल डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाती है, वो इंक्रीमेंटल के बजाय डिक्रीमेंटल बन जाता है, यानी रिवर्स मोड में ऑपरेट करने लग जाता है। अगर फ्लिप फ्लॉप इधर देखो एक्टिव लो थी, इधर भी एक्टिव लो थी, तो एक्टिव लो में अगर मैं क्यू फैट करता हूँ इन्वर्टेड यानी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म फैट नहीं करता तो अप काउंटर, और अगर कॉम्प्लीमेंटेड फैट कर देता हूँ तो ये बबल और ये बबल एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, ये बबल बबल ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो इवेंचुअली जो है मेरे पास यहाँ पे जो है काउंटर का बिहेवियर बदल जाएगा और आगे मेरे पास क्या पहुँच रहा होगा, क्यू बार, यहाँ पे आगे क्या पहुँच रहा था कुछ और, तो
इस सूरत में जब मैं काउंटर की आउटपुट स्टेट यानी जब मैं पल्स डायग्राम बनाऊंगा ना उसी तरह से जब चेंज हो करते हुए, तो पल्स डायग्राम आप बना के देखेंगे तो वो एक डाउन काउंटर बन रही होगी। इसका तरीका यही है, आप घर पे प्रैक्टिस के लिए इसकी वेवफॉर्म बनाएं और दोनों की वेवफॉर्म को कंपेयर कर लें। आप जब उसकी स्टेट्स रीड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये एक डाउन काउंटर है। ठीक है, मैं थोड़ा तेजी से आगे जा रहा हूँ। स्टेट्स वगैरह सब वही होंगी, सब कुछ बिहेवियर वही है, बस सीक्वेंस का बिहेवियर चेंज होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने करके दिखा दिए, इसको रिव्यू कर लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर मैं इसकी स्टेट्स को कंपेयर करूँ तो पहली स्टेट मैंने 0-0 ही रखी थी, लेकिन अगली स्टेट 0-0-1 नहीं आई बल्कि कौन सी स्टेट आ गई, 7 आ गई। फिर उसके बाद अगर मैं चेक करूँगा तो मेरी स्टेट इसमें 6 आ रही है। फिर उसके बाद जब मैं चेक करूँगा तो उसकी स्टेट 5, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 3। और ये मैं खुद नहीं कर रहा, जब मैं काउंटर की पल्सेस ड्रॉ करूंगा ना वही रूल के तहत कि कब चेंज होनी है, हाई एक्टिव एच पे चेंज होनी है, तो जब मैं सारी कोई बना लूंगा तो उसका जब मैं लेबलिंग करूंगा ना तो मैं ऑटोमेटिकली बिहेवियर ऑब्जर्व करूंगा कि बिहेवियर इस वक्त इंक्रीमेंटल नहीं आया, वो चेंजेस से जो भी इफेक्ट आया मेरे काउंटिंग सीक्वेंस में वो डिक्रीमेंटल बन गई। ठीक है, ये पल्सेस मैंने मैजिकली नहीं बनाई कि मैंने खुद ही से 7 से काउंटिंग चला दी, मैंने पल्सेस उसी रूल के तहत बनाई जो ये डायग्राम ऊपर बनी हुई। इस डायग्राम के तहत जब मैंने पल्सेस ड्रॉ करी, ठीक है, इस डायग्राम में वही चेंजेस आया जो मैंने बताया भी आपको पीछे, तो इस लिहाज से जब मैंने पल्सेस ड्रॉ करी और पल्सेस की लेबलिंग को रीड करना शुरू करा तो पता चला काउंटिंग रिवर्स बन रही है, यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड देन वही लूप में, ये जो लूप ऊपर बनी हुई ये फॉलो हो रही, ये मेरे पास ये बिहेवियर बन रहा है स्टेट डायग्राम का। ठीक है, स्टेट डायग्राम बनाई हुई मैंने तो इस बिहेवियर से वो चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा, एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा कि डाउन काउंटर कैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप है वैसे ही आपका डाउन काउंटर भी। ठीक है, तो लेक्चर हमारा जो था यहीं तक था, होपफुली और आगे कुछ है नहीं। ठीक है, तो लेक्चर हमारा यहीं तक था, लेक्चर के व्यू पॉइंट से। तो साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।